दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एमजीएसयू यूनिवर्सिटी का, महाराजा गंगा सेन यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म कैसे भरते हैं। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का सिमिलर ही होता है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये यूनी INDIA, ये लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद ये लिंक ओपन करने के बाद आपका जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा एग्जाम फॉर्म 2023, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद इन तीनों को छोड़ देना है, और जो अप्लाई एग्जाम फॉर्म है उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपका जो रेगुलर स्टूडेंट है वो रेगुलर लगाएंगे, और प्राइवेट स्टूडेंट है जो प्राइवेट करना चाहते हैं वो ये लगाएंगे, और एक्स स्टूडेंट जो पहले स्टूडेंट थे उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया वो ये लगाएंगे, दोबारा कर रहे हैं वो लगाएंगे। ये रेगुलर, मैं रेगुलर हूँ तो मैं रेगुलर लगाऊंगा। और अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल और सेमेस्टर सिस्टम, ये होता है सेमेस्टर। और एम फिलोसफी अपना अंडर ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन लगाएंगे। बी कॉम, मेरा बी कॉम है, मैं बी कॉम लगाऊंगा। ये बी कॉम पार्ट सेकेंड है मेरा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड चूज करेंगे। इसके बाद किस ईयर में अपने बी कॉम पास किया था, फर्स्ट ईयर वो डालेंगे, और मैंने इस साल पास किया था तो ये मेरा रोल नंबर डालना है उसके अंदर। और मैं डिटेल हाइड नहीं करूँगा क्योंकि आपको क्लियरली बताना भर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इधर आपको हिंदी में नाम भरना है, हिंदी में नाम भरने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ट्रांसलेट पे ये करना है। जैसे अभी मेरा नाम इंग्लिश से हिंदी करना है आपको, देवेंद्र है तो मैंने देवेंद्र ऐसे लगाया, और इसमें कभी कभी मिस्टेक आती है ये चीज़ की। तो अब क्या करना, एक पेन पेपर पे लिख के उसको गूगल स्कैन करके स्कैन कर लेना, उसके बाद आप अपने लैपटॉप पर व्हाट्सएप से सेंड कर देना। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो इंग्लिश टू हिंदी टाइप ये करना, इस पर जाओगे तो फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना, और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना नाम यहाँ पे इंग्लिश में डाल देना, देवेंद्र जो है इंग्लिश डाल देना। उसके बाद एंटर करेंगे, ये इसमें भी थोड़ा इशू आ रहा है, तो आप अपने नाम में से ट्रांसलेट कर सकते हो उस चीज़ से, बट यहाँ पे भी मेरा थोड़ा इशू आ रहा है, इसके अंदर टाइप नहीं हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे टाइप हो जाता है, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, और ये आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ देवेंद्र, अब ये ट्रांसलेट करेगा, ये आ गया। पर मेरे नाम के अंदर यहाँ पे नया लगाता हूँ मैं, तो वैसे इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं, कोई इशू नहीं रहता। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अभी पेस्ट करके अपना जो नाम का हिंदी में जो आप भरना चाहते हो वो भर सकते हो। यहाँ पे डाल दो, जो ये नीचे वाले कॉलम है ये हिंदी नेम के लिए, ऊपर वाले इंग्लिश नेम के लिए। ऊपर वाले सेकंड ईयर के लिए चेंज नहीं कर सकते, सेकंड ईयर का नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं इंग्लिश में, सिर्फ हिंदी में चेंज कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा जो आपका फर्स्ट ईयर में नेम था हिंदी में वही यहाँ पे करके डालें। मेल है, मेल डालूंगा, जनरल जो मेरी कैटेगरी है, जनरल OBC SC ST DWS, मतलब EWS इकोनॉमिक वीक कैटेगरी जो होती है वो, और ये दो किसी का नहीं होता, मतलब कॉमन रेयर है। जनरल मेरा जनरल है, और यहाँ पे आपको मीडियम सिलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, तो मेरा इंग्लिश मीडियम है। और फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए है, जैसे गूंगे बहरे और लूले लंगड़े होते हैं उनके लिए है, तो यहाँ पे आपको नन करना है अगर आप एकदम फिट एंड फाइन है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये अपनी डेट ऑफ बर्थ मैं डाल रहा हूँ, ये मैं अपना अंदाजे से भर रहा हूँ, मतलब आपको सिखा रहा हूँ, बट वैसा कुछ है नहीं मेरा फॉर्म में सब स्टेप का, तो मैंने 2000 डाल दिया। कैटेगरी में रेगुलर स्टूडेंट का रेगुलर ही भर रहा हो तो रेगुलर ही आएगा यहाँ पे, रेगुलर भर देना। और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना, XYZ आ गया अपना, जो भी आपका एड्रेस है वो लैंडमार्क जैसे कोई भी लगा दो, लैंडमार्क XYZ डाल दो। उसके बाद अब आपका जो टाउन सिटी है, टाउन सिटी जो भी है जयपुर डाल देता हूँ यहाँ पे, वो डाल देना, और जो स्टेट है वो डालना, और सिटी जो भी है आपकी जो आ रही है वो डालनी है यहाँ पे। अपना पिन कोड डाल दो, 0000 यही डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी XYZ@gmail .com, जो आपका, अरे फोन नंबर था, सॉरी सॉरी, आपका फोन नंबर डाल दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10। और इसके बाद मेल आईडी XYZ@gmail.com जो आपकी है, और आधार नंबर में 2 2 2 ऐसा आधार नंबर डाल दूँ। और जो आपका फर्स्ट ईयर का रोल नंबर था वो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे आपको अपनी क्लास डालनी है, मतलब कौन सा था, सभी बी कॉम, इस बंदे का बी कॉम पार्ट 1 है,
पार्ट 1 डालना, फर्स्ट ईयर डालना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये 2022 में पास किया था, ऑलरेडी इनरोल है, सेकंड ईयर में आप ऑलरेडी इनरोल्ड होंगे, यस करना है आपको इस चीज़ के अंदर, और ये आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, एक बार वेरीफाई कर लेना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे करवाना पड़ता है। और यहाँ जो आपके कितने नंबर का पेपर था, पूरे टोटल कितने नंबर के होते हैं एग्जाम बीकॉम के, वो होते हैं 600 नंबर के, तो यहाँ पे 600 नंबर। और यहाँ पे अगर कोई नंबर की मिस्टेक हुई है तो आप अपने यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं, जैसे भी 600 है तो मान लो इसके 380 आ जाए, तो यहाँ पे 380 लिख दिया वैसे तो। और ये जो मार्क्स थे यहाँ पे कितने नंबर आए हैं वो डाल लें, और कितने में से ये कितने थे और कितने आए हैं, ठीक है, और कौन सी यूनिवर्सिटी से पास करी थी पिछले साल, वो MGSU बीकानेरी आएगा इसके अंदर, क्योंकि आपने MGSU से करा है। और रिजल्ट आएगा, पास हुए थे, प्रमोट हुए थे, फेल हुए थे सेकंड ईयर में, दोबारा देना चाहते हो फेल होके तो फेल आएगा। POSO मतलब POSO का मतलब होता है जब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली में पास होते हैं, जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है। और PCSO वो होता है जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बीकॉम में जो आप 3 सब्जेक्ट लेते हो, आप चूज करते हो, 2 सब्जेक्ट होते हैं, 3 होते हैं, जैसे अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, तो उनमें पास हो गए, बाकी कंपलसरी जो कंपलसरी थे उनमें फेल हो गए, तो उसके अंदर ये आएगा। और EFPS उसके लिए होता है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड, तो जो जिसका ये मार्कशीट पे ये आया होगा तो वो यही लगाएगा, तो अपना पास था। अभी अगर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो तो ये सारे टिक करना है, अगर आपका कोई कंपलसरी रह गया है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे किसी का हिंदी रह गया तो हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश, और ये 2 लास्ट वाले 2 कोई काम के नहीं है, तो इनको चूज मत करना। और लास्ट में जो आता है आपका यहाँ पे नोट एप्लीकेबली शो होता है, तो आप यही करोगे, और आप अपने यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे आपके 100 KB से कम रहना चाहिए फोटो और सिग्नेचर, और यहाँ पे आपका 100 KB से कम सिग्नेचर रहना चाहिए, और यहाँ पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना अपने, और इसके अंदर व्हाइट पेज के ऊपर, और इसके अंदर पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, 100 KB से कम होना चाहिए, और यहाँ पे भी 100 KB से कम होना चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, और PDF नहीं होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, अगर आपको PDF to JPG, ये देखिए यहाँ से इस साइड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं PDF को JPG से, JPG के अंदर यहाँ से सेलेक्ट करो कोई भी फाइल, ये मेरे को ये इनवॉइस है, इसको PDF कन्वर्ट कर रहा है, और मैंने क्लिक करा, ये कन्वर्ट करा, और ये PDF से JPG हो चुका है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना फिर उसको। डाउनलोड करने के बाद अगर आपकी JPG डाउनलोड हो गई पर उसका साइज 100 KB से ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, JPG फाइल रिड्यूसर, इसके बाद इसमें आएगा, और आप फर्स्ट पे जाना और इसको सिलेक्ट करके अपना ये JPG इमेज सिलेक्ट करना, और इसको कंप्रेस पे क्लिक करना, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, और ये कंप्रेस हो गए 207 KB का होगा, पर इसके अंदर सही से नहीं हो रहा है, कंप्रेसिंग की अलग अलग साइट्स होती है, मैंने पता नहीं किसी साइट से करा था, इस साइट से करा था शायद, तो अपने फाइल जो भी है उसको ड्रॉप कर दो। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये वाली साइट थी, इसके अंदर ब्राउज करो, मैं हर साइट का लिंक दूंगा आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में। अब इसको आप 90% है, इसको क्लियर करके 70 कर देना, और रिसाइज इमेज कर देना, नो रिसाइज, ये 134 KB हुआ है अभी, तो इसको और कम कर देना, 60 60 पे कर देना, जो 100 पे लाना है तो 70-80 पे चलता है, अरे ये थोड़ा मुश्किल, हाँ अभी देखो रिसाइज 118 हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है, ये लोगों ने 50 कर दिया, ये रिसाइज करा, अभी भी नहीं हुआ ये, जब तक ये नहीं होता तब तक आपको करते रहना, रिसाइज, अब ये 96 का हो गया, अभी इसको करा, अब अपनों को यहाँ पे ये लगा देना है, इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है वैसे करते हैं, और यहाँ पे आपको UG की मार्कशीट लगानी, ये भी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, JPG और BMP, ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पे लगाएंगे स्कैन करके, और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड करने के बाद आपके पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मैं
फॉर्म चेकिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी वहाँ पर डिटेल चेक करके उसके बाद प्रिंट कर लेना उसको, प्रिंट मतलब प्रिंट पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना, मेक पेमेंट करके डेबिट कार्ड से पेमेंट करना, आपके पूरे पूरे 900 रुपये कटेंगे, 800 रुपये फीस है, 100 रुपये स्पोर्ट्स फीस लगती है, वो आप कर देना ठीक है। और इसके बाद आप अपना पेमेंट करोगे तो उसके बाद आपको पेमेंट स्लिप डाउनलोड करनी है। अगर आपको पेमेंट स्लिप नहीं डाउनलोड हुई तो आपको क्या करना है, बैक एग्जाम फॉर्म तो डाउनलोड हो जाता है, एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करने के पेमेंट स्लिप बहुत जरूरी है, वो डाउनलोड कर लेना, एग्जाम फॉर्म डाउनलोड करना। तो मैंने एग्जाम फॉर्म मतलब ये यहाँ पे डाल दिया नंबर मैंने, तो एग्जाम फॉर्म का जो भी आपका नंबर आता है मतलब आपने भरा है तो दोबारा डाउनलोड करना आपको एग्जाम फॉर्म पर। भाई गाइस मैं यही बोलूँगा कि आप एग्जाम फॉर्म भाई से डाउनलोड कर लेना। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप अपना फॉर्म नंबर कैसे देख सकते हैं, ये यहाँ पे अपना नाम डालना, जैसे इसमें आप भी आपको एग्जाम फॉर्म का नंबर नहीं मिला तो क्या आपसे वहाँ पे स्किप हो गया ठीक है, रिसिप्ट भी स्किप हो गई है और स्किप हो गया, तो यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ और पापा का नाम और अपना नाम डाल देना इस बंदे का। प्रोसीड अभी ये मैं 3 बार हुआ था, कैंसिल हुआ था, तो जो ये पेमेंट डन है उसी को करना है कॉपी, इसको कॉपी कर लेना। ये रहा, ये आपका एग्जाम फॉर्म नंबर होता है, इसको बैक करना, बैक कर लो। अभी एग्जाम फॉर्म आपको डाउनलोड करना भूल गए वहाँ पे, तो ये वहाँ से भी कर सकते हैं आप, ये देखिए एग्जाम फॉर्म, और ये सारे आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेने हैं ठीक है। और अगर आपके रिसिप्ट डाउनलोड करनी है तो आप अपना एग्जाम फॉर्म नंबर यहाँ पे भरना, और ये यहाँ पे क्लिक करके इसको वो करा लेना, इसका विंडो FN और स्क्रीनशॉट लेके इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, बस इतना ही होता है प्रोसेस। और थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, होप आपको समझ आया, कोई भी डिटेल कोई भी चीज़ आपको समझ गई है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू गाइस।